सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। एंड गाइस इस साल का यानी कि 2024 का वन ऑफ द बेस्ट एनीमे जो कि वापस आ रहा है एंड इस एनीमे का नाम है गाइस दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 3। ये मेरा पर्सनल फेवरेट यानी कि मेरे टॉप 3 एनीमे से मेरा पर्सनल फेवरेट एनीमे, यानी मैंने स्टार्टिंग में देखा देन इसका मैं तब से बहुत बड़ा फैन हूँ। तो इस एनीमे का सीजन 3 फाइनली इसी साल आने वाला है एंड इसका एक न्यू ट्रेलर आ चुका है। मतलब इसके पहले भी दो ट्रेलर आए थे लेकिन इसके अंदर कुछ भी नया नहीं था, लेकिन ये जो ट्रेलर आ चुका है न्यू वाला, इसके अंदर जो है सीजन 3 से रिलेटेड बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे न्यू सीन्स है। एंड मुझे पता है आप में से बहुत से बंदों ने ट्रेलर नहीं देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, जाके ट्रेलर देखो। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होंगे बिकॉज बहुत सारे न्यू कैरेक्टर हैं, आपको चीज़ें भी नहीं समझेंगी। तो ये है गाइस दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम के सीजन 3 का ट्रेलर ब्रेकडाउन। तो गाइस स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रेलर के सबसे स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है गाइस रिमुरो जो होता है डिमन लॉर्ड की जो मीटिंग से होता है वो आने के बाद वाला सीन है, जहाँ पे सब जो है जुरा टेम्पेस्ट के लोग उसका वेलकम करते हैं। उसके बाद कुछ फ्लैशबैक सीन्स देखने को मिलते हैं हमें सीजन 2 के। उसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइज मतलब जो है ये मतलब एक सीरियस टोन स्टार्ट हो जाती है ट्रेलर के अंदर एंड उसके बाद हमें देखने को मिलती है जुरा टेम्पेस्ट के अंदर हो रही है मीटिंग हिनाटा साकागुची से रिलेटेड, जो कि बहुत बड़ी कल्प्रिट है। एंड आपको पता है मैं उस कैरेक्टर से कितनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। इससे पहले भी मैंने जो है सीजन 3 से रिलेटेड 2-3 वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने भी इसकी भर भर के तारीफ की, तो वीडियोज आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सब जो है रिमुरो के टॉप कमांडर्स यानी कि उसके टॉप सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, जो कि हिनाटा साकागुची के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। उनकी सब डिस्कशन चल रहा होता है कि उसका क्या करें। उसके बाद हम देखते हैं गाइस मतलब हाँ उसी वक्त हम देखते हैं गाइस जो होता है होली चर्च, वेस्टर्न होली चर्च के जो होली नाइट्स है एंड हिनाटा साकागुची है उनकी भी गाइस डीमन लॉर्ड रिमुरो से रिलेटेड एंड बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड जो है डिस्कशन चल रहा होता है, मीटिंग चल रही होती है। एंड यहाँ पे हमें एक और मतलब फ्लैश में एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पे डीमन लॉर्ड लुमिनस वैलेंटाइन यानी कि वो मेड वाली आपके यादों का वैम्पायर, उसका एंड हिनाटा का भी हमें एक 2-3 सेकंड के लिए एक फ्लिक्स का शॉट देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हो इसका बहुत बड़ा कुछ है, जो कि आपको सीजन 3 के स्टार्टिंग के वो फर्स्ट या फिर सेकंड एपिसोड के अंदर ही पता चल जाएगा कि इनका रिलेशन क्या है। उसके बाद हमें जो वेस्टर्न होली चर्च के जो बंदे हैं वो सबके अब रिमुरो के बारे में बातें कर रहे होते हैं और भी हमें कुछ डिफरेंट सीन्स दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको वेस्टर्न होली चर्च के बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे एंड ये जो ये 9 या फिर 10 जो है ये मतलब हिनाटा साकागुची के एकदम से बेस्ट सबॉर्डिनेट्स है यानी कि बेस्ट वॉरियर्स है। एंड मैं बोल रहा हूँ ये बहुत बड़े मतलब हाँ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनकी जो है वाट बाद में लगती है, इनको अपनी औकात बाद में पता चलेगी। एंड जो हिनाटा है वो ये रिमुरो के बारे में इनका सब चल रहा होता है। तभी जो पोप है जहाँ आपको याद होगा जिसे पकड़ा था रिमुरो ने उसके बाद वापस से छोड़ दिया था, तो रिमुरो का ये मैसेज जो है वो हिनाटा साकागुची के लिए लाता है एंड वो मैसेज होता है आई विल डील विथ यू यानी कि मैं तुम्हें देख लूँगा, यानी कि इन शॉर्ट वो वॉर का जो है मतलब यानी कि वो बैटल का ही एक तरह से मैसेज था। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी ट्विस्ट आता है जो कि आपको आगे पता चलेगा जब एनीमे देखोगे। तो बेसिकली ये रिमुरो का मैसेज होता है ये किसी ने बीच में जो एडिट किया होता है, दैट्स इट, और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है लुमिनारीज विचेस जो कि बहुत बड़ी कमीनी कुत्तियाँ हैं, उनके बारे में भी आपको सब कुछ पता चलेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे न्यू अननोन कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। जी हाँ ये बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इनके बारे में आपको नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज पर्सनली मुझे भी याद नहीं है बिकॉज मैंने मांगा एंड मैंने नॉवल पढ़ी है, लेकिन इन कैरेक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, इनके नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप एनिमे में ही देख जाओगे बिकॉज इनका अभी तो कुछ बड़ा रोल नहीं लेकिन बाद में बहुत बड़ा कांड करने वाला है। तो यार उसके बाद हमें रिमुरो एंड हिनाटा आमने सामने की एक बैटल का सीन देखने मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि सीजन के मतलब 10 एपिसोड 9-8 में हो सकता है इनकी जो आमने सामने बैटल होने वाली है, या बैटल का एक छोटा सा शॉट देखने मिलता है रिमुरो एंड हिनाटा आमने सामने। एंड मैं सच में बोलता हूँ कि ये जो बैटल है शुरू होते ही मतलब हाँ बहुत बड़ी चलती है, लेकिन यार कि मतलब वेस्टर्न होली चर्च के स्टार्टिंग से 1% भी जीतने का चांस नहीं था, इनकी बहुत गंदी वाले बैंड बजाते हैं। तो यार एंड हाँ इस एनिमे के बारे में एक और चीज़, ये एनिमे 2 कोर्स में रिलीज होगा, 24 एपिसोड होंगे एंड दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 3 रिलीज होने वाला है 5 अप्रैल 2024 को, यानी कि 5 अप्रैल 2024 को एनिमे रिलीज होने वाला है यानी कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही। एंड इस एनिमे के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आपको पता है मैं इस एनिमे का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोज भी बनाई है, मैं एपिसोड एक्सप्लेन करने की भी ट्राई करूँगा। हाँ सो दैट्स इट, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस एनिमे से रिलेटेड अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो या फिर आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हो तो वो बता देना, वैसे मैंने सब कवर किया है अराउंड। सो या दैट्स इट, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए।